अंधेरा हो गया, 8:30 हो रखे हैं, तो अभी हम लोग पशुओं को बांध रहे हैं। और इससे पहले मैंने गाय के नीचे बिछाना बिछा दिया इसी तरह से, और ये हमने बांध दिया जी राधा को, ठीक है। और चलिए और अभी हम लेके आएंगे अपने इसको, पर इसको खोलेंगे कैसे, अरे बिचे अरे दो बिल्कुल भी छठ, बस इसको खड़ा नहीं होना आता इस गाय को, ये दिक्कत है इसकी। फिर जा तो ये देखिए, ना तो ये चलती है, ये बहुत बुरी करती है चलते हुए। अरे अरे, और ये होगी हमारी बिंदु, अभी हम लेके आएंगे अपनी गोपी को। गोपी के पास पानी रखा हुआ था, जैसे भी मर्जी का ही पीती है, उसी है तो यहाँ पे हमने बांध दिए गोपी। तो अब मैंने ना घास की वो किया है, घास की जाल दे दी है, घास हमने रूट दिया था। इधर खड़ी हुई हमारी गाड़ी, दो डाले भरेंगे मैसी और बस। तो चलो काफी ठंड हो गई है, मतलब आज में थोड़ा सा लेट हो गया ना बांधने को पशुओं को, तो आज में थोड़ा सा लेट हो गई पशु बांधने को, क्योंकि अब ना ठंड हो चुकी है, बिंदु को भित्र और दूसरे डालों में देंगे सिया को, इसका मुंह बोलना पड़ेगा, तो देखिए थोड़ा सा और देखिए आपके में के लिए। और सारा नीचे गिरा देती है, इसको पता नहीं क्या बीमारी है ना, मैं उसे खाया करती हूँ। तो आ जाओ बाहर, गोबर इकट्ठा कर लेते हैं, वो तो खाना नहीं हमने। अब ना ठंड हो गई है, दोनों दरवाजे बंद कर लेते हैं यहाँ पे, और गोबर चकमकी है। अच्छे
इसको उठाएंगे, सुबह अभी नहीं उठाएंगे। और ये मैं देखो यहाँ पे उपले भी लगी हूँ बनाने आजकल, एक नीचे गिर गया मेरा उपला, रस्सी फंस गई। तो ये देखो ये मैंने एक दिन बनाए थे, ये थोड़े थोड़े सूखे गाले धुआं लगाने के काम आ जाएंगे। नहीं तो अभी बना देती हूँ मैं सुबह सुबह कई बार। तो बस आ जाओ, अब लाइट लाइट ऑफ कर लिया मैं ऊपर, और हनी के पापा भी पा रही हैं गांव में जहाँ पे वो। अब पूरे सर्दियों में आपको इसी तरह का लुक मिलेगा, मेरे को मेरा आप लोगों को भाई अच्छा लगे, किसी को चाहे ना लगे, है ना। तो अभी मैं आपको एक ना फनी कमेंट सुनाती हूँ, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर ना, फिर सुनाती हूँ। एक कोई यादव यादव करके का आईडी है, उससे कमेंट आया था कल परसों। मेरे को बड़ी भारी हंसी आई, बोलते अच्छा आपने एक बार बोला था कि हनी आपका सौतेला बेटा है तो तभी आप उसको खाना नहीं देते। हनी एक कमेंट और था भी, तो तभी आप उसको खाना नहीं देते भाई, और उसे उसको वीडियो में भी नहीं दिखाते भाई, वो आपका सौतेला बेटा है भाई। मैंने भी एक बार सुना था तो अब मैं समझ गया भाई, क्या समझ है आपकी, है ना, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन से प्राणी। हेलो, दो जोड़िया जोड़ी तो अभी ये मशीन लेके जा रहे हैं अंदर को, अभी इन्होंने कपड़े धोने, हनी ने धोने, सौतेला बेटा है ना, मैं इसके कपड़े नहीं धोती इसलिए धोने पड़ते हैं। तो आ जा सन्नी, आ जा, तो चलो इसी, तो ये लेके जा रहे हैं मशीन अंदर को, जाली में से दिख रहे होने आपको, अभी धोएंगे दोनों भाई कपड़े अपने, क्योंकि दिन को आज तो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, आज मेरे को बहुत ज्यादा काम था, और ये थोड़ी बहुत जिम्मेवारी है मैं इनके ऊपर भी सौंपती हूँ, उनके ऊपर भी डालती हूँ, उनका दिमाग खराब हो जाता है, फिर तो उनको मजे माँ बाप हाथ पे देते सब कुछ, तो फिर इनके ये हो जाता है कि नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा जब सीखेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे, और थोड़ा सा झटका नहीं लगेगा लाइफ में किसी भी चीज़ का, तो फिर पता कैसे लगेगा कि सच्ची में ज़िंदगी चीज़ क्या है ना। तो जितनी आसान हम समझते हैं ना उतनी आसान नहीं है लाइफ, कि बहुत आसान है, मजे हैं फलाने लोगों को, मजे हैं खाने पीने के, मजे हैं नहीं, उसके पीछे उनका बहुत सारा स्ट्रगल होता है। तो पाराज बार की थी गाँव में, तो उस कमेंट की मेरे को बड़ी भारी हंसी आई, मैं इतना हंसी ना, मैंने पहले स्क्रीनशॉट लिया था कहीं, मैं उसको लगा दूंगी यहाँ पे अगर होगा, लिया तो था मैंने एक दिन स्क्रीनशॉट पर, मैं साथ साथ में कुछ चीज़ें डिलीट भी करती रहती हूँ ना, नहीं तो फिर इसमें स्पेस नहीं रहता, तो ऐसी ऐसी बात थी। और बस अभी हम घास वगैरह देके आ गए नीचे से, और ऊपर जाऊँ मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊँ रात का, जा ही जाती हूँ ना कई दिनों बाद, चलो ऊपर लेंटर पे जाते हैं। सोनी सोनी है शिमले रे सड़क, तो यहाँ से दिखाते हैं आपको वैसा व्यू जैसा कि पार वाले घर से दिखता था। पहले तो हमारा गांव देख लीजिए, ये जो लास्ट में जो लाइट दिख रही है ना, एक मिनट में जूम करती हूँ, ये वाले यहाँ पे है वो बारखी जो गांव में है ना, हनी के पापा वहाँ पे गए हैं सुबह से, तो जैसे गाँव में जाना पड़ता है। और देखो नीचे लाइट में सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया नीचे सारे, लहसुन देखो मैंने लहसुन लगी थी मैं छीलने, पर मैंने वो लगाया नहीं अभी तक, हो सकता है लहसुन वाला वीडियो मैं आपको पहले दिखा दूं, और क्यारे भी बना के रखे हुए, नहीं टाइम लगता, मैं बहुत बिजी रहती हूँ बहुत ज्यादा। तो मेथी तो लगा दी परले वाले क्यारे में, लगा दी मेथी वो परले वाले क्यारे में। और ये देखिए यहाँ से व्यू सामने गांव का, और अब चलते हैं धीरे धीरे पार्ली साइड को, तो वो देखो, और चंद्रमा देखो कितना प्यारा दिख रहा है ना, आज दशहरा था, कितनी बढ़िया चांदनी यहाँ पे, आज दशहरा था और काफी सारे इनाम निकले घना गुमे,
हमारे लिए हम हमें नहीं निकला कुछ नहीं, ये तो भाग्य की बात होती है ना, ये तो तकदीर की बात होती है। तो चलो यही था बस आज का वीडियो, मैं इतना सा ही यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। पता क्या है, इस उंगली में ना मेरे आराम नहीं हो रहा है, बहुत दर्द है इसमें, और दूध का डब्बा ना यहीं रह जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से, तो बस यही होता है मेरा बोलना कि मजे में जियो, खुश हो के जियो, बस किसी के दबाव में ना जियो, है ना। आपको महलों से अच्छे हैं झोंपड़े जहाँ पे आपको किसी के ताने ना सुनने पड़े, ठीक है। अपनी कमाई की आपको आधी रोटी मिले, अपनी कमाई की आपको आधी रोटी मिले उसमें संतोष करना, किसी से इच्छा मत रखना, और ना ही अगर कोई दे तो उसका ये नहीं है कि हाँ भाई कोई अच्छी नीयत से दे रहा है तो ठीक है, अगर वो उसको गिन रहा है तो फिर उससे उसको लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और महलों में रहने से अच्छा है कि आप, ये खिड़की क्यों है यहाँ पे इतनी खुली हुई बार को, कि आप झोंपड़े में रह लो, ऐसा है कोई बोलेगा तो नहीं आपको, कोई ताना तो नहीं देगा। और दूसरे फटे पुराने कपड़े सिल लो, ठीक है, मैले नहीं होने चाहिए, पुराने चलेंगे, सिल के अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आपको कोई बहुत वो देता भी है कोई भी, और अगर फिर बाद में आपको कुछ भी सुनना पड़ता है तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपने गांव की बात कर रही हूँ, बहुत से लोगों की। और ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं इंसान के साथ बहुत, तो बस यही मेरा बोलना होता है कि बस जितना है अपने पास ना उतने में खुश रहो, जितना है अपने पास उतने में खुश रहो, उसको उसमें आपको सुकून भी मिलेगा, उसी में आपको शांति भी मिलेगी, ठीक है। और वही उसमें आपका जो मानसिक स्थिति है ना वो बिल्कुल सही रहेगी। एक तो कर्ज नहीं होना चाहिए किसी का, है ना, एक कर्जा जो होता है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है, कर्जा आपको सोने नहीं देता, कर्जा आपको जीने नहीं देता, तो कर्ज करके मत करना, बस जितना हो सके जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना कीजिए। अब आप बोलेंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे इस बात का क्या लॉजिक है, तो जो चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ, कई बार मैं देखती हूँ वीडियोस देखते रहती हूँ, या कोई मेरे पास आके बैठ जाता है वो अपनी कहानी बताता रहता है। अब मैं उसके किसी का नाम तो नहीं ले सकती यहाँ पे, लेकिन मैं आपको मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कुछ बातें आपको बता सकूँ। कर्ज करके कुछ भी मत बनाना, मान लो चाहे घर ही है आप उसमें रहोगे, लेकिन आपको रात दिन की टेंशन रहेगी कि यार मैंने कर्जा लिया है मैंने वापस करना है, और आपको उस घर में नींद नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत से लोग सुनाते हैं अपनी आप बीती, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके साथ करते हैं हम आज की वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, माता रानी आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे, आपके बच्चों को कामयाब करें, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। बस इसी के साथ जय माता दी, राम राम।